कानपुर शहर में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव, कुछ वाहनों और घरों में अतरंगी घटनाएं हुई। खरगोन शहर के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने कहा कि पूरे खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर सरकार एक्शन में आ गई है। जिला प्रशासन ने खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले अपराधियों के घरों को ढा दिया है। सोमवार शहर के संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले छोटी मोहन टाकी क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सरकार के अधिकारी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे और हिंसा करने वाले अपराधियों के मकानों को ढा दिया। इस कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मामू का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता, केवल शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर खरगोन में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हिंसा शुरू हो गई थी। हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल के बम भी फेंके थे। इस पर पूरे घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।